हीरा नंदानी जी ने तो स्वर्ण एफिडेविट दिया है, तो उनके क्रॉस चेकिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए मैं कह दूं कि एथिक्स कमेटी ने निश्चित किया कि हीरा नंदानी को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट दे दी है। और जब एफिडेविट दी है एक सीनियर भारतीय विदेश सेवा की अधिकारिणी के सामने, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी नई बात यहाँ आके कहते। तो सारी प्रक्रियाएँ जो होनी चाहिए उन प्रक्रियाओं को फॉलो किया गया है। और 3 बार मीटिंग हुई, 2 कंप्लेनेंट को हमने सुना, डिफेंडेंट को सुना, और उसके बाद मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से भी विचार लिए गए, इस इशू को लेकर विचार लिए गए। तो उन लोगों ने भी जो कहा वो निश्चित तौर पर बहुत ही, मैं कहूँ, भय पैदा करने वाला था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, अगर हम अपने सिस्टम को वल्नरेबल कर देते हैं, अगर हम किसी फॉरेन एलिमेंट को, फॉरेन एलिमेंट का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो ऑफिस का व्यक्ति न हो, उसे अगर हम प्रवेश दे देते हैं सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये तो बिल्कुल वल्नरेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है।